गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैथ्स की क्लास में हम पेज नंबर 120 करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। ये आपकी यूनिट 10 की वर्ड प्रॉब्लम है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ए मिल्क वैन बॉट 850 लीटर ऑफ मिल्क। एक मिल्क वैन है जो 850 लीटर मिल्क लाती है। इट डिलीवर्ड 685 लीटर ऑफ मिल्क एट टू बूथ्स। यानी वो दो जो मिल्क बूथ है उनमें 685 लीटर जो मिल्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको दे देती है, दे डिलीवर कर देती है। हाउ मच मिल्क वॉज लेफ्ट इन द वैन टैंक। अब आपको बताना है कि उस वैन टैंक में कितना लीटर मिल्क जो है वो बच गया है। देखिए, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को नोट करना है। उसके बाद ए मिल्क वैन बॉट मिल्क, कितना मिल्क लेके आती है वो, 850 लीटर्स। इट डिलीवर्ड मिल्क एट टू बूथ्स। वो दो बूथ पे अपना मिल्क डिलीवर करती है। और कितना है मिल्क, 685 लीटर्स। मिल्क वॉज लेफ्ट इन द वैन टैंक। अब आपको बताना है कि कितना हमारा जो टैंक है उसमें कितना मिल्क बच गया है। टोटल में से जितना हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जितना डिलीवर हो गया, उसको लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सब्ट्रैक्शन का है। अब देखिए, जीरो में से फाइव लेस नहीं कर सकते। यहाँ आएगा, ये इससे लेगा बोरो, यहाँ आएगा टेन, इसके पास रह जाएगा फोर। टेन माइनस फाइव इक्वल टू फाइव, फोर माइनस एट इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये इससे वन बोरो करेगा, इसके पास रह गया सेवन। 14 में से 8 लेस करेंगे, 8 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, यानी 6। यहां हमारा 7, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। लेकिन हम इसकी जो यूनिट है वो जरूर लिखेंगे, एल आई टी आर ई एस, लीटर्स। इसको आप एल में भी डिनोट कर सकते हैं। आंसर इज 165 लीटर मिल्क वॉज लेफ्ट इन द वैन टैंक। यानी कि जो वैन का टैंक है उसमें कितना लीटर हमारा मिल्क बच गया, 165 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए टी शॉप ओनर बॉट 15 लीटर 500 ml ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। यानी जो एक टी शॉप का जो ओनर है, उसका मालिक है चाय की दुकान का, वो 15 लीटर और 500 मिलीलीटर मिल्क खरीदता है सुबह के समय। इट इज क्लोज एट द क्लोज ऑफ डे 8 लीटर 285 मिलीलीटर ऑफ मिल्क वॉज लेफ्ट विद हिम। उसके पास कितना मिल्क बच जाता है दिन खत्म होने के बाद, 8 लीटर 285 मिलीलीटर मिल्क उसके पास बच जाता है दुकानदार के पास। अब आपको बताना है हाउ मच ऑफ मिल्क वॉज यूज By him to prepare tea। अब आपको ये बताना है कि चाय बनाने में उसका कितना मिल्क यूज हुआ। देखिए, यहाँ लिखेंगे हम क्वांटिटी ऑफ मिल्क बॉट बाय शॉप ओनर। कितनी क्वांटिटी उसने मिल्क की खरीदी है, 15 लीटर 500 मिलीलीटर। क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट विद हिम, उसके पास अब कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क बच गया, 8 लीटर्स 285 मिलीलीटर्स। अब आपको बताना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क यूज्ड बाय हिम। अब कितनी क्वांटिटी उससे यूज हुई है चाय बनाने में, अब इसको हम लेस करेंगे। जीरो में से फाइव नहीं जा सकता, ये आ गया यहाँ वन, ये इससे लेगा, इसके पास भी वन आने के बाद यहाँ रह जाएगा नाइन, इसने वन इसको दिया टेन। टेन माइनस फाइव इक्वल टू फाइव, यहाँ नाइन, नाइन माइनस एट इक्वल टू वन, यहाँ पर फोर रह जाएगा क्योंकि इसने वन अपने साथ वाले को दे दिया था। फोर माइनस टू इक्वल टू टू, फाइव में से एट लेस नहीं हो सकता, ये इससे बोरो करेगा फिफ्टीन, फिफ्टीन में से एट लेस करेंगे सेवन। आपका आंसर है सेवन लीटर 215 मिलीलीटर जो मिल्क है वो उसके पास बच गया। हम लिखेंगे सेवन लीटर 215 मिलीलीटर मिल्क यूज्ड बाय हिम टू प्रिपेयर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
शबाना बॉट 3 लीटर 600 मिलीलीटर ऑफ मिल्क, यानी शबाना ने 3 लीटर और 600 मिलीलीटर मिल्क खरीदा। शी प्रिपेयर्ड पनीर, उसने उसका पनीर बनाया कितने मिल्क का, 2 लीटर एंड 350 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। 2 लीटर 350 मिलीलीटर मिल्क का उसमें से, इस टोटल में से उसने इतने मिल्क का पनीर बना दिया। हाउ मच मिल्क वॉज लेफ्ट विद हर, अब आपको बताना है पनीर बनाने के बाद उसका कितना मिल्क उसके साथ बच गया। शबाना बॉट मिल्क, शबाना ने कितना दूध खरीदा, 3 लीटर 600 मिलीलीटर। मिल्क यूज्ड इन प्रिपेयर मिल्क, मतलब प्रिपेयर्ड पनीर, पनीर के को बनाने के लिए कितना मिल्क यूज हुआ, 2 लीटर 350 मिलीलीटर। अब इसको लेस करेंगे, 0 - 0 = 0, ये 1 बोरो करता है यहाँ पर, यहाँ रह गया 5, इसके पास हो गया 10, 10 - 5 = 5, 5 - 3 = 2, 3 - 2 = 1। मिल्क वॉज लेफ्ट विद हर, कितना मिल्क बच गया, 1 लीटर 250 मिलीलीटर मिल्क वॉज लेफ्ट विद हर। बच्चों ये आपको तीनों क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं और रफ नोटबुक में इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।